हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 24 जून। 24 जून को लेकर मैंने कुछ करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने पूछा था कि हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया था, तो वो राज्य है जी मणिपुर। अब यह जून विद्रोह दिवस क्यों मनाया गया, तो यह दिवस जो है 18 जून को मणिपुर के यानी 18 जून को मणिपुर के केकरुपत में मनाया गया है ना। और मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान के लिए यह महादिवस मनाया जाता है। बात करें मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के सीएम कौन है जी, एन बीरेन सिंह जी हैं। और गवर्नर कौन है जी, नाजमा हेमतुल्ला जी हैं। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या की, तो एक है और लोकसभा सीटों की संख्या दो है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 16 है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब आज के क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली पहली कंपनी बन गई है, तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को हुई और इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी जो हैं हाल ही में अभी हैं मुकेश अंबानी जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है जी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है, तो वो कंपनी है रिलायंस जियो। बात करें रिलायंस जियो की, तो इसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 को हुई थी, जिसके संस्थापक और चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं और एमडी की बात करें तो संदीप दास जी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, मुंबई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75 ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे, तो वो राज है रूस, जिसकी राजधानी कहाँ है जी, मॉस्को है और इसके प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी हैं। और पीएम की बात करें तो मिखाइल मिशुस्तिन जी हैं। और करेंसी क्या है जी रूस की, रूबेल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि हाल ही में विजय खांडूजा किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, विजय खांडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया जी, तो वो देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अगर बात करें जिम्बाब्वे की, तो इसकी राजधानी कहाँ है जी, हरारे है और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है जी, इमरसन मनंगांगवा जी हैं। और करेंसी की बात करें तो डॉलर है। अब बात करते विजय खांडूजा जी की, तो यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है और इसकी नियुक्ति जो होगी आर मस्कुई की जगह होगी, जो आर मस्कुई जी रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। यानी रोमानिया में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे जी, आर मस्कुई जी। चलिए बात करते पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में यूएन रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं, तो 1 बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। बात करें यूएन की, तो यूएन का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और इसमें मेंबर कितने हैं जी, टोटल 193 स्टेट मेंबर है और दो ऑब्जर्व स्टेट मेंबर हैं।
बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो एंटोनियो गुटेरस जी हैं। और इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है जी? आधिकारिक भाषा 6 है, यानी कौन कौन है जी? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रशियन है और स्पेनिश है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में NSF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है जी? सी ऑप्शन, डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन को। डॉक्टर सेतु रामनाथन पंचनाथन को, सेतु रामन पंचनाथन को NSF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें हम NSF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 10 मई 1950 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर US है और यह एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा में मदद करती है। और इसके डायरेक्टर यानी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं जी? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन जी। चलिए अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोला कि हाल ही में योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो वो अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा। बात करें आयुष मंत्रालय की, तो यह 9 नवंबर 2014 को बनाया गया। 9 नवंबर 2014 से यह वर्क कर रही है और इसका उद्देश्य यह है कि इसका उद्देश्य है कि देश में दवाएं और होम्योपैथी की कॉलेजों के भारतीय सिस्टमों में शिक्षा के स्तर को उन्नत कराना, शिक्षा के स्तर को उन्नत कराना। इस रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जी? वो है श्रीपद नायक जी। श्रीपद नायक जी इसको कंडक्ट कर रही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है, कौन किया है जी? नीति आयोग। नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अगर हम बात करें इस योजना के बारे में, तो यहाँ पे है कि नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा और यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की एक रास्ता तलाशने की शुरू की जाएगी और यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 है ना उत्सर्जन करने के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों के व्यापक समझ में भी मदद करेगा। चलिए अब बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या है जी? क्या था जी? जो योजना आयोग था। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसके कार्यपालक कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत जी हैं। चलिए बात करते हैं नवें क्वेश्चन की। नवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में लेजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी अमीश त्रिपाठी ने। बात करें इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक में राजा सोहेलदेव के जीवनी चित्रण का वर्णन किया गया है और यह एक भोली भारतीय शासक है जिसने गाजी सैयद सलार मसूद के हमलावरों से के खिलाफ उत्तर भारत को एकजुट किया और 1034 ईस्वी में है ना बहराइच की लड़ाई में उसे हराया। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अंतिम क्वेश्चन और दसवें क्वेश्चन के। तो दसवां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वो क्या है? विश्वनाथन आनंद को। बात करें वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की, तो इसकी स्थापना 27 नवंबर
1969 ईस्वी को हुई, और इसका उद्देश्य यह है कि इसका उद्देश्य है समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच और पर्यावरण के प्रति व्यक्तियों को जागरूक करना। अब हम बात करते हैं विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद ने अपने करियर में बहुत सारे बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल की, जिसमें हैं 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप जीतना, और इनको 1985 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1991-92 में है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2002 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अब हर रोज़ की भांति आज के सवाल को देख लेते हैं। आज का सवाल यह है कि हाल ही में फोकस की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल है? तो लक्ष्मी मित्तल है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा और अनिल अंबानी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारा चैनल, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा इसका भी आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।